जो हमारे फिल्म का टाइटल है ये होती है माँ, इससे तो साफ जाहिर है कि ये एक माँ की कहानी है। और मतलब जो सारे पहलू होते हैं ममता के वो इसमें बड़ी वफादारी से पेश किए गए हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये फिल्म हमीद सर की है, तो आप समझ सकते हो कि जज्बात जिस तरह पेश किए जाएंगे उसमें कितनी सच्चाई होगी, सादगी होगी और अच्छाई भी होगी। ये फिल्म मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमीद सर के लिए कर रही हूँ और कहानी बहुत ही अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दर्शक है ये इससे बहुत आसानी से रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, हर माँ की कहानी है। आपने पहले ही बहुत सारे काम किए हैं, शोज किए हैं, जी क्या कहना चाहेंगे इस स्क्रिप्ट में, ऐसा क्या खास नजर जो एक्सेप्ट किया? सच्चाई बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैम ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो अब तो क्या कहना चाहेंगे ज़्यादा अहम है, न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बदल रहा है माहौल और कितना ज़्यादा परिवर्तन आना चाहिए उस चीज़ में? एक बात कहना चाहूँगी कि देर इज़ नो ब्लेम गेम। अगर न्यूक्लियर फैमिलीज़ है और जॉइंट फैमिलीज़ अभी नहीं नज़र आती मेट्रोपोलिस में, तो मैं नहीं सोचती कि ये किसी एक की गलती है। ये समय की भी ज़रूरत है, कई बार तो ये समय की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे जो भारतीय रूट्स है, इंडियन रूट्स है, एक बहुत अच्छी उक्ति है, वंस यू हैव द रूट्स ऑफ कल्चर द विंग्स ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी फियर। तो हमारे भारतीय रूट्स अगर बरकरार रहे तो फैमिली न्यूक्लियर हो या जॉइंट हो, रिश्ते कायम रहना बहुत ज़रूरी है। मैम इस किरदार के लिए कितने प्रिपरेशन करने पड़ी और क्या ब्रीफ दिया गया था सर की तरफ से? कहानी तो पूरी बताई थी सर ने, और जहाँ तक अभ्यास का सवाल है तो बस इनकी तरफ देख लूँ, अभ्यास हो गया। और मैम ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशन पे बहुत कम फिल्म आती, बागवान आई थी, उसके बाद ऐसी बहुत कम फिल्म आती, तो कितना ज़रूरी है इस तरह की फिल्म आना ताकि लोग रिलेट कर सके अपने लाइफ से? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा संजीदगी से, बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बॉन्ड्स का सवाल है, बच्चे माँ बाप पेरेंटल बॉन्डिंग का जो सवाल है, ये तो ज़रूरी मतलब कॉन्टेम्पररी रियलिटी है कि वी रियली नीड इट। शुक्रिया। अब कुछ बचा क्या यार दोस्त? तो हम बीच में शिफ्ट कर लेते माइक। हाँ जी, सर मैं तो मुझे कुछ ज़्यादा ब्रीफ मिला नहीं और ना मुझे चाहिए, बस हमीद साहब को देख लिया तो हमीद भाई हैं तो पूरा ब्रीफ है, और मेरे ख्याल से एल बी इनके शुभ कार्य में मैं कुछ रोड़े अटकाऊंगा, और ये माँ है तो सारे रोड़े जो हैं हटा के और ये शिल प्रोसीड टू हर। तो सर एक कैरेक्टर को प्ले करना होता है जिसमें इन्फ्लुएंस हो दर्शक, वो कितना बड़ा चैलेंज होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए? नहीं डेफिनेटली चैलेंज, छोटा हो करेक्टर या बड़ा हो तो चैलेंज तो होता ही है। यू हैव टू पोर्ट्रे, आपको अपने पर्सनैलिटी से बाहर निकल के आप उस करेक्टर में घुस रहे हैं, उस करेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को दिखा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि यू आर दिस, तो इट्स चैलेंजिंग जॉब। कहाँ पे आई कुड गेट यू? निजी तौर पे फैमिली होते हैं वो मतलब फिल्म में ज़्यादा समय देते हैं और फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, फैमिली को भी टाइम मिलता है, फिल्म को भी होता है, तो सर सालों से तो प्रथा चली आ रही है और खुश है लोग काफ़ी। और हामिद सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और भी उन्होंने सफल फिल्में डायरेक्ट की हैं, तो उनके डायरेक्शन में काम करना कितना बड़ा आपके लिए? हमीद भाई के डायरेक्शन में बहुत बहुत एक लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, पिकनिक बना रहे हैं, और बहुत आराम से काम होता है, कहीं टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, हर चीज़ हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है, आपको किसी चीज़ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं। फिर इस फिल्म को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही अतरंगी टाइप की है, बहुत ही नौटंकी वाली माँ है जो हर वक्त कुछ ना कुछ नौटंकी, टूटी फूटी इंग्लिश, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहती है, मस्ती करते रहती है कैरेक्टर के साथ। और जो हमीद जी ने मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए ब्रीफ किया, मैं भी एक माँ का रोल ही प्ले कर रही हूँ इसमें, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जब हमीद जी है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, वो करवा लेंगे मुझसे काम, निकलवा लेंगे। निशी मैम भी है? निशी मैम भी है, और निशी जी के साथ हमने वैसे भी पहले भी बहुत काम किया हुआ है, तो अगेन हमें यहाँ पे हमारे जितने साथी कलाकार हैं सभी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, तो अच्छा लगा कि सब अपने लोग ही मिल गए। हमीद जी के साथ पहली बार कर रही हूँ तो नेचुरली इंटरेस्टिंग है, और मैं करना भी चाहती थी तो मौका मिल गया मुझे उनके साथ काम करने का। Thank you.
आएंगे भी थोड़ा इमोशनल भी है, जैसे हामिद भाई ने बताया जो डायरेक्टर है हमारे हामिद अली, इनको मैं काफ़ी 5-6 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ पहले, और मेरे लेफ्ट में त्रिलोकी जी बैठे हैं हमारे कैमरा मैन, इनके साथ भी काफ़ी काम किया मैंने, बाकी शेखर भाई के साथ तो देखा ही होगा आपने FIR में, हम बहुत दिनों के बाद FIR के बाद इकट्ठे काम कर रहे हैं इस फिल्म में। तो इसमें जो मेरा करेक्टर है वो निशी जी के घर में सर्वेंट है, सर्वेंट नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन हमें अपने फैमिली मेंबर की तरह ही मानती हैं वो, भाई नौकरों या सर्वेंट वाली बात नहीं है इसमें, बहुत जितना बताया हामिद अली जी ने डायरेक्टर साहब ने, और बड़े दिनों के बाद निशी जी से मिला मैं, काफ़ी दिनों के बाद इनके साथ काम किया था, और ये अपने बैठे हैं पृथ्वी जी, इनके साथ भी काम किया मैंने, और अच्छा है, मतलब जितना भी बताया मेरे को, फैमिली ड्रामा है और इमोशनल भी है, कॉमेडी तो हम करेंगे ही करेंगे ऐसा करके। सर, आपने ह्यूमर क्रिएट करना आर्टिस्ट को बहुत चैलेंजिंग होता है, कॉमिक टाइमिंग की अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो फिल्में होती है उसमें लीड एक्टर एक कॉमेडियन का रोल करते तो उसको लेकर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कुछ कमेंट तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये सब जो है वो इंडिविजुअल होता है, कॉमेडी का टाइमिंग वगैरह जो भी है, कोई प्रयत्न करता है, कोई किसी को नेचुरल आता है, जैसे लोगों ने कहा है या तो जो लोग देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग नेचुरल कॉमेडियन हैं, मैंने हमें वो एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं कॉमेडी के लिए, जबकि आप जो पूछ रहे हैं कि आजकल लीड रोल वाले भी कॉमेडी करते हैं तो वो लोग कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली नहीं आ रहे। खैर, सबकी इच्छा पर्सनल इंडिविजुअल है, डायरेक्टर चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं कि आप ही खुद करो तो कोई बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हामिद अली जी ने हमें मौका दिया हुआ है कि नहीं आप ही करोगे, हम और गोपी भल्ला जी दोनों सर्वेंट के रोल कर रहे हैं, लेकिन वो अलग से करें हम अलग से करें, दोनों की कॉमेडी अलग से मिलेगी आपको, मज़ा आएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ हामिद जी का कि पहली बार माने फर्स्ट टाइम उनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कास्ट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगेन शुक्रगुजार हूँ गोपी जी का, क्योंकि गोपी जी ने मेरा नंबर दिया तब जाके मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ हूँ। बाकी को आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है, निशी जी वगैरह, पृथ्वी जी, सारे पहचान वाले कलाकार हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं काम कर चुका हूँ मैं, तो ये प्रोजेक्ट में भी बहुत ही मज़ा आएगा, और हामिद जी के अंडर में काम करने का पहली बार मौका है, देखते हैं क्या होता है, बाकी ऐसी होती है माँ। हाँ, ऐसी होती है। इस मूवी में मेरा वैसे तो एक सबसे मेरी जो माँ है जो मेन टाइटल है उनका सबसे छोटा बेटा, मेरे बड़े भाई का किरदार भी निभा रहे, और हामिद अली सर ने इस प्रोजेक्ट में मुझ पर भरोसा करा, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यही एक प्रार्थना है और यही एक मेहनत है कि बस इस जो किरदार को मुझे निभाना है उसको पूरी शिद्दत से निभाऊं, और जो जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर उसे पूरी मेहनत के साथ करूं। देखिए, ये जो इमोशन है एक्चुअली में रोल नहीं है, इमोशन बोलेंगे कि इसमें एक माँ के लिए साथ में है तो हम पॉजिटिव हैं, और माँ का साया जब हमारे सर से हट जाता है तो सब कुछ ही नेगेटिव रहता है, एक इमोशन ही है। इसके पहले भी मैंने 2 मूवी कर चुका हूँ एज ए लीड, बट येट अभी रिलीज़ नहीं है। जब आप कोई भी काम जिस वक्त आप करते हैं उस वक्त सोचिए आप कोई काम कर रहे हैं तो इसे और दूसरा क्या है कि ये जो माँ फिल्म है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सक्सेस हमारी टीम, जब तक टीम वर्क नहीं होता है, एक अच्छी टीम के से ही एक अच्छी चीज़ें बाहर आती हैं। तो हमारे एक्टर, हमारे जितने राइटर हैं, लोगों ने लगभग 1-1.5 साल स्क्रिप्ट पे काम किया। एक्चुअली हम लोग कंटेंट जो है, कंटेंट एक पब्लिक को कह रहे हैं, एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री को देना चाह रहे हैं, और अच्छी टीम मिली है। आई एम सो लकी कि जितने भी एक्टर हैं, हमारे राइटर मनोज कुमार, हामिद अली खान डायरेक्टर साहब, तो माँ को बनाने के लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत थी मुझे जो फैमिली ड्रामे और इमोशन का नॉलेज रखें। तो उस हिसाब से हामिद अली काफ़ी तजुर्बेकार डायरेक्टर रह चुके हैं, और मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छी बन गई है। तो आपके सामने सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, तो इसमें मैं 110% कॉन्फिडेंट होकर हमारी फिल्म काफ़ी अच्छी करेगी और हम एक अच्छी चीज़ इंडस्ट्री को जाए। देखिए, फिल्म का प्रॉफिटेबिलिटी बाद में, पहला जो अपना प्रोडक्ट पे फोकस करना है,
एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप पहले बना रहे हो तो आप पूरा एफर्ट प्रोडक्ट पे डालें, इसलिए हमने एक एक डायलॉग एक एक सीन अच्छे से रखा है, अच्छे से किया। तो हमारा अभी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट, हम एक अच्छी चीज़ दी। तो कब तक ये फिल्म इसके कुछ आउटडोर भी हैं और ज़्यादातर शूटिंग हम मुंबई में कर रहे हैं और बस कंप्लीट हो जाएगी फिल्म तो हम ओके सर। हाय, मेरा नाम हर्षिता कश्यप है और मैं इसमें रश्मि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये फैमिली बेस्ड स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एंड हामिद सर की हमेशा से बहुत बड़ी फैन रही हूँ मेहंदी से ही। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू वर्क विद हिम एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फैमिली ड्रामा, रेगुलर स्टोरी है तो आई थिंक ऑडियंस इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो ये डेब्यू मूवी आपकी है, पहले कभी फिल्म में काम किया? नहीं, मैंने बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया हुआ है, दे आर येट टू रिलीज, बट हामिद सर के साथ ऑफ कोर्स एक कनेक्शन था, एक ऐसी मूवी करनी थी जो कि फैमिली बेस्ड हो जिससे लोग रिलेट कर पाए, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स इमोशनल मूवी, इमोशंस इमोट करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक आर्टिस्ट के लिए? बिल्कुल नहीं होता क्योंकि आर्टिस्ट तो इमोशंस को ही अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारते हैं, चाहे वो रोने धोने वाला हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो एरोगेंस हो, क्योंकि मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा एरोगेंट है तो आई थिंक वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना रोने में आपको लगता है, जितना हंसने में लगता है, बट ऑफकोर्स आर्टिस्ट का काम ही यही है। हाय, माय नेम इज़ आरती गुप्ता एंड इस मूवी में मैं रचिता का करेक्टर प्ले कर रही हूँ। अगेन इट्स अ नेगेटिव करेक्टर जो अपनी सास के अगेंस्ट पूरी प्लॉटिंग एंड ऑल करता है एंड बट आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज हामिद अली सर के साथ रानी मुखर्जी ने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड नाउ शी इज़ अ स्टार, तो आई एम ऑल्सो होपफुल दैट उनके साथ इट्स नॉट अ स्टार्ट बट या इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ माई करियर। आई हैव डन फ्यू मूवीज बट दिस इज़ I can say that I'm working with a very good director. So I'm really excited that I'm going to get good mileage and good footage because here I'm getting the chance to work with Nishigandha ma'am and Hamid sir is there and there are a few other very well-known names. So really excited. As an actor, who inspired you as an As an actress, I would say like Priyanka Chopra is my idol, obviously. And there are many. I would say like who are on top, they are because of their talent and their presence. Their aura is something like that. They ought to be the star only. बट आई वुड से एक नेगेटिव करेक्टर जो होता है वो हमेशा अपनी स्क्रीन पे एक अपनी मार्क छोड़ के जाता है। आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री में भी जाके देखें तो शाहरुख खान स्टार्टेड विद अ नेगेटिव करेक्टर, प्रियंका चोपड़ा स्टार्टेड विद अ नेगेटिव करेक्टर, तो एक अपना ही एक प्रेजेंस क्रिएट कर देता है नेगेटिव एंड यू नो ऑब्वियसली एक मसाला होता है वो, देर आर हमेशा यहाँ पे नौ रस होते हैं, हमारी एक्टिंग में नौ रस होते हैं, शांत रस इतना एक्साइटिंग नहीं होता है, अगर आप उसमें कोई मसाला डाल देते हैं तो अब ज़्यादा मज़ा आता है। हाय, आई एम श्वेता मिश्रा एंड आई एम प्लेइंग स्नेहा रोल इन दिस मूवी और मेरी ये फर्स्ट मूवी है सर के साथ, हिंदी मूवी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही हूँ सर के साथ, आई डोंट नो कि कैसे करना है एंड आई एम प्लेइंग पॉजिटिव रोल और थोड़ा बहुत ही हटके स्टोरी है जो आजकल चल रहा है रियल लाइफ में उसकी उसके बेस पर है। तो डू यू फाइंड लाइक कि हामिद अली अपनी डायरेक्टर पहली बार काम कर रही हैं, आप अपने ब्रेक में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना मैं बहुत ही अपने आप को लकी समझती हूँ कि सर ने मुझे कास्ट किया है और मैं बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और होपफुल भी हूँ बिकॉज जैसे इन्होंने कहा कि रानी मुखर्जी को भी उन्होंने स्टार बनाया, फर्स्ट ब्रेक दिया है तो मेरे को भी वही करना है बस। थैंक यू। जी जी जी, मैंने अक्सर जो फिल्में बनाई हैं, चाहे मेहंदी हो, आ गले लग जा हो, श्रद्धा हो, पुलिस पब्लिक कानून, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे बनाई, लेकिन हर कहानी में इमोशंस ज़रूर होते हैं, रिलेशन ज़रूर होते हैं। तो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, ये होती है माँ, और माँ कभी फेल नहीं होती है, नालायक कितना भी औलाद नालायक हो तो माँ को जो किसी भी हाल में कहीं ना कहीं तो याद करता है। तो हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी माएँ बनी हैं वो फेल नहीं हुई हैं, और इसके अलावा जो रियल में है वो माँ कभी फेल नहीं होती है, और ये एक इमोशनल सब्जेक्ट है, साथ में कमर्शियल भी है, लोगों की हंसी मजाक के लिए भी मैंने इसमें प्रबंध किया हुआ है।
तो सर ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहले वो प्रॉफिट मोटिव देखता है फिल्म को बनाने से, आप काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इमोशनल लगता जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट से, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया, देखो क्या है कि कब क्या होगा किसी को पता नहीं है, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप बड़ी बड़ी फिल्मों को भी आश्रय देख चुके हैं, छोटी फिल्में भी चली हैं, तो कंटेंट चलता है, कोई एक्टर नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। तो हमें जो अपने कंटेंट पे, अपने सब्जेक्ट पे, अपने एक्टरों पे भरोसा है। और मैंने ये सोच के नहीं मैं इनको लूँ, इनको मेरे रोल में जो फिट हो रहा था उस हिसाब से मैंने एक्टर चूज़ किए हैं, कुछ नए लिए हैं, कुछ पुराने लिए हैं, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। इसके अलावा मेहंदी 2 भी आने वाली है, तो उसके जी मेहंदी 2 भी आप क्या स्टार कास्ट होने वाली है? मेहंदी 2 में लड़की जो होगी, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर रानी मुखर्जी लाइक दैट। बाकी कुछ पुरानी स्टार कास्ट उस फिल्म की होगी मेहंदी की, और बाकी कुछ नहीं होंगी। तो उसका बैनर भी बना हुआ, आपको भी मैं कवर करने को दूंगा। मेहंदी 2 मैंने अनाउंस नहीं किया था, काफ़ी दिनों से उस पर काम कर रहे थे क्योंकि हमको टाइटल नहीं मिला था। तो अभी हमको टाइटल मिल गया है मेहंदी 2, तो सीना ठोक के अनाउंस कर रहे हैं कि बना रहे हैं। जी, रानी मुखर्जी के साथ इस बारे में कुछ बात हुई थी आपकी? नहीं नहीं, किसी के यार रानी मुखर्जी किसकी पकड़, स्पेशल अपीयरेंस में दिखा? नहीं नहीं, कोई नहीं होता वो, हम कुछ शॉर्ट यूज जब उनके यूज़ करेंगे उस टाइम बात करेंगे। अभी ज़बरदस्ती कि मैंने ये किया कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल काम करता हूँ। हाँ ये है, उनसे मिलना है तो आसानी से मिल सकते हैं, उनको बात करना है आसानी, लेकिन वो इस फिल्म में नहीं है, आगे क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन फिर भी जब मेहंदी में रानी थी तो काफ़ी पावरफुल एक्ट। हाँ तो ये किसी चीज़ का कोई एंड नहीं होता। दिलीप साहब चले जाएंगे, अमिताभ बच्चन चले जाएंगे, तो इंडस्ट्री तो चलती रहेगी। रानी मुखर्जी के बाद भी उससे भी अच्छी एक्ट्रेस आती रहेंगी। तो आपका काफ़ी योगदान होंगे करियर में, क्योंकि नहीं ये तो ये टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कई लोगों को चांस दिए, बहुतों को चांस दिए, तो कुछ ऊपर आए कुछ नहीं है, तो टैलेंट के ऊपर। ये टैलेंट था उनके अंदर तो उन्होंने करके दिखाया, तो ये वर्ग एक्टर के अंदर भी होता है ना। आइए, रोशन कुमार है। इसके बाद मैंने हामी सर के साथ, इसके पहले भी मैंने काम किया है, हमें किंग जो कि अभी रिलीज होने जा रही है। और इस फिल्म में मेरा एक कॉमेडी कैरेक्टर है कॉल्ड चिराग कैरेक्टर। बाकी मैं इस फिल्म से काफ़ी हमारा जो यूनिट फैमिली के रहा है तो स्टार्टिंग से मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं इसके लिए भी अभी इस फिल्म में मुझे कास्ट किया है, ये होती है हमारा तो एक कॉमेडी कैरेक्टर में कास्ट किया, तो मैं उनके लिए हामिद सर, त्रिलोक सर, बाकी हमारे आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, नीसी मैम है, पृथ्वी जी है, तो इन्होंने काफ़ी इनका सहयोग रहा है, काफ़ी इनका सहयोग रहा है। इसकी वजह से मुझे आज दोबारा मौका मिला है उनके साथ काम करने का, तो मैं उनको काफ़ी धन्यवाद दूँगा। हामिद सर है, त्रिलोक जी हमारे सीनियर, पृथ्वी जी है, सबको, बाकी हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आएगा और फिल्म अच्छी जगह पे जाए, अच्छी तरह से सक्सेस हो, वैसे ही मैं करने वाला हूँ। अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, कितने उत्साहित है फिल्म को लेकर? और डैड डिजाइन करने के लिए कितना ब्रीफ करते हैं यहाँ पर? वेल, बहुत एक्साइटेड हूँ ये मूवी को लेकर, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत खुशी है जस्ट बिकॉज माई फादर इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। आई एम नॉट सेलेक्टेड ऑन दैट बेसिस बिकॉज I like the script, like usually he does his movie, I always don't work with him. So this one I insist that please can I do it and can I be a part of this project because I love the script. So what do you have to say, you know, father is a director, you're designing the film. What difference between the profession as a, didn't you like to do direction for that part? Well, one thing at a time, I'm loving what I'm doing right now, but maybe in the near future or something. Let's see. And what really inspired you? And what would you comment on the, you know, kind of design made in Bollywood films and in the television industry? I mean, it should be improved. It should have more elegance as such. Well, luckily it's improving from where we were to where we are going. We no longer dominate the wrong fashion scene in the movie scene anymore because now we have more knowledge of, because of Instagram, fashion magazines and bloggers and everything. Right. So we are getting towards real fashion and not like living like in the 90s, like that we thought that in Bollywood we have worn this, so this is fashion. The fashion universe and Bollywood has become a good milan, so we have become much more unique now. As a designer, who inspired you to design? Well, as a designer, I always looked up to Abu Jani Sandeep Khosla, and I got like an opportunity to work with them. I started my career with them for like 3 years. I used to work for them, and whatever I have learned from there is what I'm applying today. So, like Devdas is one of my favorite movies, and they have done an impeccable job in there. Thanks for coming. Thank you.